एवरीवन, और ये बर्थडे के सरप्राइज स्टार्ट हो चुके हैं। हम आज कर रहे हैं ट्रैवल, और ये उतरते हुए इन्होंने प्लान किया बहुत ही डिफरेंट। तो इन्होंने मुझे कहा कि 24 घंटे में हर एक घंटे में एक एक गिफ्ट होगा, यानी 24 आवर में 24 गिफ्ट। चलो मैं गेस करती हूँ, इसमें एक लेडी होगी, प्रिंसेस दिख गई वो यहाँ से, आ जाओ, वो दिख गई, वो यहाँ से दिख रही है ऊपर वाला फोटो, इतना ही पता है मेरे को। तुम सोचो कि तुम्हारी बीवी ने यहाँ से देख के गेस कर दिया। तो ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट, अरुण ने हाथ यहाँ ही जोड़ दिए कि बस उपासना यही हाथ जोड़ दे। 1 2 3 ये 1 बजे वाला गिफ्ट है। ये पढ़ना है। हेलो, आई एम योर्स। सर एक बार दिखा दीजिए अच्छे से। अब मैं इसमें भी एक सांप रखूंगी। सर मेरी ये पिटारी यहाँ भी शिफ्ट होती है। तो ये था इनका 1 बजे वाला गिफ्ट। थैंक यू, ये बहुत सुंदर है। मुझे पता नहीं, मतलब मेरे साथ रह रहे कि कोई इंसान इतना क्रिएटिव कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही क्रिएटिव, और अरुण को बताइए, मुझे बहुत कलरफुल चीज़ें पसंद है, मतलब अरुण को नहीं, अरुण को तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पसंद है। तो इस बार मतलब मेरे बर्थडे की जो स्टार्ट हुई ना, इतनी कलरफुल चीज़ों से हुई है। तो ये इनका 1 बजे का गिफ्ट हो गया, ये 2 बजे का, दोनों एक साथ ही हैं। हाँ, 12, 1 और 2 के हो चुके हैं। तो अभी बच चुके हैं 3, और अब बारी है अगले गिफ्ट की। रुक जो, कौन सा ओपन करें? ओके सॉरी, 3:04 हो गए हैं वो। हाँ, तो ये कौन सा वाला गिफ्ट है? चौथा इसमें लग रहा है। अच्छा, गेस करो क्या है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो वो मुझे वो पसंद है, जो मैं गोवा में पसंद करी थी, वो स्पाइसेस वाला शेफ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कृष्ण जी का है, वो शेफ है इसमें। वाह, क्योंकि वो कृष्ण जी का ऐसा लग रहा है। अरे यार, आज ही खोल लोगे, 4 बज जाएंगे, अगले गिफ्ट का टाइम हो जाएगा। हम लोग तो यार कुछ भी क्या क्या बोल रही है। वाह, वेरी नाइस, अच्छा खासा वीडियो हो गया। आज तो पूरे क्रिएटिव से हो गए, अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 4:01, मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये अगले गिफ्ट की बारी हो गई। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, फ्रेम में आओ। अब मैं अर्ध निद्रा, और पीछे, अब मैं अर्ध निद्रा अवस्था में हूँ। वाह वाह वाह, सारे आइडिया तुमने चुराए मेरे। हाँ, आइडिया चुरा लिए। ये पता सबसे सुंदर गिफ्ट है, आपको दिखाता हूँ एक बार। ये दवात है, ठीक है, इस दवात नहीं, ये पेन का स्टैंड है, इसमें ये खड़ी होगी, ये इंक है, ये इंक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट निब्स है, और ये मतलब नीचे गिर रखी है, ये नीचे गिर रखी है, ये निब्स है। अरुण ने इतना प्यार से नोटिस दिया ना, कुछ दिन पहले मैं बोली थी, मैंने कहा अरुण मेरे को इंक वाले पेन से इतना पसंद है लिखना, और मैंने कहा वो टाइम चलेगा, लोग इंक वाले पेन से लिखते हैं। तो मैंने तुम्हें पूरा ये पंख ला के दे दिया है, इसमें डुबो डुबो के लिखना तुम। मैं अपने प्रेस्क्रिप्शन इससे लिखा करूंगा। नहीं दिख रहा है इसमें। तो अभी बच गए एग्जैक्ट 5, तो हम ये गिफ्ट नंबर 6 ओपन कर रहे हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, तो गिफ्ट नंबर 6 है ये, करो। ये नींद में है, नींद में से इनको उठा दिया है मैंने, ठीक है। तो नींद में से इनको टेप नहीं समझ आ रही है, कौन सी टेप कहाँ से खोलनी है, और ये अपने नाखूनों का किया इन्होंने शानदार उपयोग। थोड़ी सी मशक्कत करते हुए मुझे पता था अब सीधा मुंह लगेगा इस पर, लगता है मुझे हेल्प करनी पड़ेगी 2 मिनट ब्लॉग बंद करके। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक वन, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ ये वही ओपन हुआ है तो यस,
अभी फॉर्मेलिटी के लिए बहुत सुंदर बोल दिया गया, बाद में पूछूंगा कैसा है। तो अभी बच चुके हैं 6 और ये 7वां गिफ्ट है ये नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए। एक पोस्ट में मैंने पढ़ा था लड़कियां इसी दिन के लिए नाखून बढ़ाते हैं और ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। ये मुझे देखने से लग रहा है कलर मिल जाएगा। क्या होगा? ज्वेलरी बॉक्स? नहीं, ज्वेलरी तो मैंने दी नहीं, फिर बॉक्स क्या करूंगा। ये अंदर देखने पे पता चलेगा। वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। वॉच का बोरा। ये इस बार तो मैं भी सदमे में हूँ, पहली बार हुआ इतने सालों में। मैंने एक्चुअली ना सोच के ज्यादा दिखाता नहीं, धीरे धीरे दिखाता हूँ। एक ही बार सारा दिखा दूंगा फिर अगली बार क्या करूँगा। अरुण अरुण को पता था सारी वॉच वैसे रखी हुई है। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली इनकी सारी वॉचेज ना बिखरी पड़ी रहती है एंड उसमें मतलब वो ना फिर एक दूसरे टकरा टकरा के खराब होती है उनकी चेन्स। तो फिर ये सारे वॉच बॉक्स मैंने दिया है कि सारी उसमें है कि मैं उनको उनके डिब्बे में डाल के नहीं रखती, मेरे को डेली वॉच चेंज करनी होती है, मैं जहां जगह मिलती है वहां फेंक देती हूं। तो अब नहीं फेंके जाएंगे, सारी वॉचेस सुरक्षित रहेंगे और यहीं पे कहीं राडो आएगी। बहुत सुंदर है। और अब बज रहे 7 एंड ये अब नेक्स्ट गिफ्ट। पैकिंग को देख के तो बता सकती हूं आपने की है। हाँ, तो मतलब मैं 24 गिफ्ट रैप करने बैठू मैं अपने जीवन के इतने कीमती आवर्स को बर्बाद करे हैं। क्लच अच्छा, टैलेंटेड हो गए, वेरी नाइस। अब इसका मैं एक यूनिक बताता हूँ, कुछ बहुत यूनिक है। इसमें आपके सारे के सारे कार्ड आ जाएंगे, कार्ड होल्डर, ठीक है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड, एटीएम वगैरह। हाँ, ये सीधा बोलते ना कि तो अपना ब्लू होल्डर घर पे रखते हैं। हाँ, और ये अब आप ही एक ही में अपने पैसे और वो डाल सकते हो। थैंक यू। तो ये 8 बजे वाला गिफ्ट है, कुछ गेस कर लो। गेस कर नहीं रही, बियॉन्ड हो गया ये। ऐसा ही होता है जब कोई ऑस्ट्रेलिया का बोलर आशीष नेहरा को हल्के में लेता और छक्का मार देता। तो कृष्णा जी? सिर्फ कृष्णा जी नहीं है, कुछ अलग है। आधी दुनिया वहम में मर गई आधी बीमारी से। अभी भी कह रहा हूँ आधा हल्के में लिया अभी। अरे इसको ओपन तो करो, अभी और चीज रह गई है इसमें। ये है क्या अभी? अरे वाह, किसी ने स्पीच दी है, सारे ताली बजा रहे हैं। कैंडल स्टैंड है ये। जो है अलबेला मृग नैनो वाला। कॉपीराइट आ जाएगा ना, गान लगा नहीं सकते। 8 बजे तक का हो गया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सो गए हम लोग। अभी अब हम 9 बजे वाला ओपन करेंगे। तो 9 बजे वाला ये है। पैकिंग करूं तो क्या करूं भाई, इसमें इतना टाइम लग गया मेरा, है ना। देखा, यही होता है भाई, कुछ करके दे दो, चाहे चांद पे भेजो, पर कह रहे नहीं यार गर्मी लग रही है। ओके थैंक यू। ये वैसे लाइफ में पहली बार है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए झुमके खरीद के लाए। देख रहे हो भाई, खरीद के लाने पे भी अच्छा, पहली बार इसलिए लेके आया ना, हर बार तो साथ ही चलते थे। ठीक है, बहुत सुंदर है। अब नहीं भी होंगे तो बोलना तो देखो पड़ेगा ही। मेहनत के लिए अगर खोलो भाई। दोनों कौन से वाला खोलो? कोई सा खोल लो, ये लो, ये अच्छा है काफी। तो ये झुमके हो गए। अब ये कितने बजे वाला हो गया? 10 बजे वाला। सही पैकिंग कैसे करी है आपने यार? ये जैसे पार्सल पैक करते हैं। यस सर, इतना ही एफर्ट कर सकते हैं इसमें तो। भाई क्या करूं मैं, ये भी मेरे लिए बहुत है, इतना कर लिया है। ये तो मैं सदमे में हूँ वैसे रात से। अगली बार से तो भाई जो आएगा ना सीधा पार्सल भाई उठा के लूंगा, पैक भी नहीं सर। हम लोग से करवा लीजिएगा पार्सल पैक। तुम पहले ना ऑफिस वाले कर दो भाई, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही क्यूट। तो ये 10 बजे वाला हो गया। ओके ये लो, ये बहुत अच्छा है, ये 11 बजे वाला। ये कार्ड होल्डर? कार्ड होल्डर नहीं है, यही तो दिक्कत है ना, इसको दबाओ। मिरर होगा,
एक तो खोलना नहीं आ रहा है। पूरा मैनिक्योर की मैनिक्योर किट है। अच्छा जी थैंक यू सर। चाहते हैं मैम नेल्स बढ़ाए। ठीक है तो ये हो गया 11 बजे। थैंक यू। ये देखो क्या आया 12 बजे वाला। अरुण ये तो मेरे पास है चॉकलेट डायरी। चॉकलेट डायरी है और क्या? वो खराब थी ना तुमने कहा था उसने खराब दे दी। थैंक यू। और ये मनीष हमारे टेबल पे रखी हुई है ना ऑफिस पे तो yes. टेबल के लिए घर के यस नहीं है वो ठीक है ना yes. चोरी हो गई है वहाँ चोरी हो गई है। और ये लास्ट 1 बजे का ओके रॉयल हीलिंग दारू है। पानी गले से नीचे ढंग से उतरता नहीं है तभी तो पूछा। ठंडा पानी थोड़ा लग जाए ना गले में अट जाता है इनको दारू चाहिए नीट वाले। बहुत ही सुंदर ट्री। थैंक यू अरुण ने ना सारे ऑफिस की कसर पूरी कर दी। थैंक यू। ये गुड लक चार्म होता है एक्चुअली मतलब ये हीलिंग जो स्टोन होता है ये गुड लक चार्म होता है ये ऑफिस में हमेशा रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके एफर्ट का और हर चीज मेरी फेवरेट है और जिस जिस चीज की ऑलमोस्ट मुझे अभी दोबारा से रीपरचेजिंग करनी थी। तो 1 बजे तक का हो गया मिलते हैं 2 बजे। तो अब ये अगला जो गिफ्ट है ये है 2 बजे वाला। तो ये थोड़ी सी वो की थी कि इसकी हमने पैकिंग थोड़ी सी ढीली करी है। कृपया हिमाचल में आप टूरिस्ट प्लेस पे कूड़ा ना फैलाएं। अरे वाह अरे हमने बड़ी यूनिक सोची। बेटा देख बेटा कहाँ जा रहा है देख ना तू जाके राम प्यारी को दियो यही वाला। इधर गई देखो राम के गिफ्ट में नया इंटरेस्ट आ रहा है। ये देखो तो ये देखो ये है क्या ये आप बताओ। अरे मुझे तो पता है मैंने ऑर्डर किया तुम्हें नहीं दिख रहा कैमल है ये क्या है ये वो है पीछे बैलगाड़ी वाला गाड़ी ये है 3 बजे वाला। ये क्या है गैस हो गया होगा बुक है ना। हाँ मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ लोगे तू ने एक काम कर बेटे या तो चला जाए खड़ा रहा ठीक है दिल्ली जाएगा बता पढ़ेगा करा दे एडमिशन बोल। You only live once. Thank you. पढ़ी हुई है ना पता वो तो बेटे नहीं जी। तो ये हो गए आपके 2 बजे वाले और 3 बजे वाले तो ये 4 बजे का स्पेशल गिफ्ट है। इन्होंने सारी वो चीजें दी हैं जो मुझे पसंद है बहुत एफर्ट करके लव यू सर के लिए। तो अब बज रहे हैं 5 तो ये है 5 बजे वाला गिफ्ट। तो ये था इनका 5 बजे वाला गिफ्ट। थैंक यू। जितने पैसे सेलो टेप पे लगाए हैं किसी पे नहीं लगाए। पैकिंग तो मेरी मैंने वहां पे पन्नियां रखी हुई थी वही काट के लगा दिया। एक शर्म ने अभी आत्महत्या की इनकी बात सुनकर शर्म को भी शर्म आ गई। शर्म ने शर्म को जी भर के देखा शर्म को भी शर्म आ गई। मैं तभी कंट्रोल कर गया मेरे का बच्चा ठंड में मर जाएंगे। ये मेरे फेवरेट भगवान जी आते हुए बाल गणेश का कभी इनके कृष्ण जी फेवरेट होते। अरे पिक्चर्स के अकॉर्डिंग चलती हूँ मैं भगवान तो एक है ना। बस थोड़ी देर और देना 3-4 ही बच्चे। ये था इनका 6 बजे वाला गिफ्ट वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था गणेश ठीक है। एंड अब है 7 बजे वाले गिफ्ट के बारे में। मैं पहले पता क्या था जो मैं गोवा से लेके आई थी मैं अब उनको घर रखूँ या क्लिनिक पे तो मैंने उनको बेड के साइड में रख दिया था क्लिनिक पे भी आ गए। तो ये हो गए अब आती है 7 बजे वाले गिफ्ट की बारी। कस्टमाइज पिल्लो इतना तो पता ही चलेगा। गेस कर दियो कौन सी फोटो लगवाई। ओए होए होए अपनी फेवरेट मेरी लगवाते तो मानते क्या खुद की पसंद है खुद स्मार्ट लग रहे वही पिक्चर लगवाई। चलो पहली बार किसी लड़की ने माना कि वो स्मार्ट नहीं लग रही किसी फोटो में ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जय माता दी ये सिर्फ चिंतपूर्णी माता का ये आज का चमत्कार है। माता के दरबार में दर्शन किया ना ये देखो क्या दिखाओ तो सही भाई साहब क्या लग रहा हूँ मतलब हम
उपासना एक बार म्याऊ बोलो, म्याऊ, सारे मिलके बोलो म्याऊ। तो यार ये बहुत ही सुंदर सा केक, ये इनका है 8 बजे वाला गिफ्ट। तो ये 9 बजे वाला गिफ्ट, क्योंकि यार हम लोग थके हुए ना तो जल्दी सो जाएंगे, तो अभी हम 9, 10 और 11 वो कर रहे हैं। तो मतलब इस बार तो सच में अरुण ने जो एफर्ट किया है ना, वो तो मतलब एफर्टलेस एफर्ट है, वो इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन कोई चीज होती है ना, वो चीज होती है। मतलब अरुण ने मुझे ऑप्शन दिया था, मैं रो नहीं रहा। तो ये हो गए। अरे वाह, क्या ये बैग, हैंड बैग। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन है, इतने सारे मेरे को 3 हैंड बैग दे दिए रोज सुबह मेरे को। हैंड बैग नहीं है ये, पीछे पिट्ठू, पिट्ठू बैग है। मेरे को रोज जो वहाँ सुबह उठ के बोलते बस तेरे बैग यहाँ बिखरे हैं, यहाँ बिखरे। ये सरोजनी, ये सरोजनी जाने के लिए है ये वाला, हर एक के लिए अलग अलग है। जनपद जाने के लिए अलग है, सरोजनी के लिए अलग है, सीपी का अलग है। ये अरुण ने 3 यहाँ पे लगे थे, तो एक ही पिटारी लाई थी, अब तो 3 यहाँ अलग अलग दिन ले ले। ठीक है, बहुत सुंदर है। 9 बजे का हो गया ये, 10 बजे वाला, और 11 पे एंडिंग है। अरे बाप रे, यूनिकॉर्न वाला मग, अरुण ने आज तो मेरे को यूनिकॉर्न से भर दिया सारा। दूसरा ही तो है ये, गलत आईडिया है, गलत। तो ये 10 बजे वाला, आई डोंट बिलीव इन ह्यूमंस, आई बिलीव नहीं, आई डोंट बिलीव इन ह्यूमंस, क्योंकि आप तो परी हो ना। ताली थी इस वाली पे तो। ये लास्ट, ये वाला तो कॉम्प्लीमेंट है, एंजल होता है ना, ये लास्ट है। बिल्ली सांस ले रही है, इसका ऑक्सीजन पाइप लगाना बस। ये कितनी क्यूट है। हाँ ये अभी इसका ऑक्सीजन पाइप लगा के सांस चलने लगी इसका। रियल नहीं, मम्मी रियल नहीं आ रही है, शैंकी गंदम कह रहे हैं, पर रियल लग रही है। इसको क्लिनिक पर रख सकते हैं मैम? नहीं नहीं, घर पे रखेंगे। मम्मी ने कहा 2 बिल्ली नहीं लाने दूंगी, तो मैंने कहा एक मैं ये ले आऊंगा, एक वैसे ले आऊंगा। तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो भी अरुण ने मेरे लिए गिफ्ट प्लान किए थे। मैं इसलिए हैरान हूँ कि मुझे रोज कहते थे तेरे पास इतने हैंड बैग और खुद 3 और उसमें ऐड करे हैं, क्योंकि वो पुराने हो गया था ना। ओह ओह ओह, पर सच में यार, मतलब मेरे को अंदर से ना रोना आ रहा है, मैं रोना नहीं चाहती, वो सब मेरे को कहेंगे रोतलू है, हमेशा रोती रहती है, पर थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, चैनल को सब्सक्राइब।